क्योंकि वो जैसा एक बच्चा अगर देश को संभाल लेगा, लेकिन राहुल गांधी जी देश को बर्बाद सिर्फ कर देंगे। मैं हिंदुस्तान के जनता से यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई राहुल गांधी जी के बहकावे में ना आवे। ये दोस्त देश तोड़ने और लोगों को तोड़ने की सिर्फ क्षमता रखते हैं, बस किसी को बनाने की क्षमता नहीं है इनके पास। मोदी सरकार ऊपर वाले जाने, लेकिन अब की बार मोदी सरकार राहुल गांधी का वो क्या जाने खेते के मेले के कबो गांज बड़ मनाई के धारा है देश विदेश में पढ़ी लिखी काव की ही नौ रहिया। भ्रष्टाचार सब खत्म है, बहन बेटी सब सुरक्षित हैं, अब कोई कोई किसी को डर नहीं है, कहीं कोई डर किसी को नहीं, बहन बेटियां अब हर इंसान सुरक्षित है। एकदम बिल्कुल नेतागिरी करने लायक नहीं है राहुल गांधी जी, मैं तो यही जानता हूँ। लेकिन विपक्ष तो उन्हें पीएम उम्मीदवार के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है। नहीं पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं। मोदी आप देखिएगा, तीसरी बार फिर मोदी जी आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ में। मैं एक भ्रम आपके माध्यम से लोगों का यह भी दूर करना चाहता हूं। लोग कहते हैं, कोई मैं सुनता हूं, आम जनता हूं, सबके बीच में रहता हूं, जाता हूं, सुनता हूं, या लोग आते हैं कहते हैं, कहते हैं बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए। यहाँ पार्षदी का आपको बताएं, बैलेट पेपर से ही इलेक्शन हुआ। अयोध्या जी में 60-65 सीटें, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं राजनीति में हूँ नहीं, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ। 60-65 सीटें थीं, दो सीट सिर्फ सपा जीती है, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, क्योंकि उसकी नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इसीलिए उनका जैसा पप्पू नाम है वैसे हैं वो, और बैलेट पेपर से ही इलेक्शन हुआ। भाजपा ने हर सीट जीता और मेयर का चुनाव तो इतना बम्फर वोटों से जीता जो विधायक की आपको तो राहुल गांधी तो लोकल मुद्दों की बात करते ना, महंगाई, बेरोजगारी। नहीं, महंगाई तो देखिए, हम महंगाई के बारे में आपने पूछ लिया, अच्छा किया। महंगाई हम कांग्रेस के राज में ही थे, छोटे थे, हमारे पिताजी डीजल लाने के लिए भेजते थे, 34 रुपये में लाते थे, फिर कांग्रेस का तब 14 में राज खत्म हुआ, 72 रुपये लीटर डीजल था। तो महंगाई कोई भी आए कोई भी जाए ये रोक नहीं पाएगा, बशर्ते जो रोजगार है। ये अगर आपके पन्ने में रोजगार कम दिखा रहा है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, रोजगार बढ़ी है मोदी जी के नेतृत्व में। जी क्या नाम है सर आपका? विजय बहादुर मिश्रा। कहाँ से? यही अयोध्या से। क्या लग रहा है अयोध्या में कौन जीत रहा है? अयोध्या में भाजपा निकल रही है, जीत रही है, कमल खिलेगा। हाँ? तीसरी बार हाँ। ये बताइए, विपक्ष चुनौती नहीं देगा? कोई चुनौती नहीं है यहाँ पर, कोई चुनौती नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार विपक्ष मजबूत है, मोदी जी हारेंगे। वो गलत बात है, नाक बराबर है राहुल गांधी। हाँ, कोई नहीं। ये क्या नाम है आपका? उमा शंकर। कहाँ से है? अयोध्या से। ये बताइए, अयोध्या में जीत कौन रहा है? भाजपा, कमल खिलेगा यहाँ पर। खिलेगा? हाँ। लल्लू सिंह तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार जीतेंगे। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि इस बार हम लोकल मुद्दों को लेकर के बातें कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय की बातें कर रहे हैं, हम जीतेंगे। उनका भरम है बस, कुछ जीत नहीं पाएंगे। जी क्या नाम है आपका? फरीदीन। कहाँ से? रामपुर बाराबंकी। किसको जिता रहे? मोदी जी का जिता रहे। मोदी जी रोड शो देखने आए? हाँ, रोड शो देखने। क्या नाम है आपका? हर्ष यादव। किसको जिता रहे? जी सर। जिता किसे रहे? मोदी जी को। ये बताइए, मंदिर बनने के बाद अयोध्या विकास हुआ है कि नहीं? बहुत विकास हो गया है, हम पहली बार आए यहाँ पे। जी जी, दर्शन किए। मोदी जी का रोड शो भी है जी, अभी तो देख रहे हैं। ये बताइए, आपको नहीं लगता राहुल गांधी पीएम बनने चाहिए? युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। अभी तो हम वोट नहीं दे सकते, मेरा वोटर लिस्ट में नहीं है, अभी हम क्या बोले? वो प्रधान के बनने के योग्य भी नहीं है राहुल गांधी जी। आप राहुल गांधी का बार बार नाम मत लीजिए, क्योंकि वो जैसा एक बच्चा अगर देश को संभाल लेगा, लेकिन राहुल गांधी जी देश को बर्बाद सिर्फ कर देंगे। मैं हिंदुस्तान के जनता से यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई राहुल गांधी जी के बहकावे में ना आवे। ये दोस्त देश तोड़ने और लोगों को तोड़ने की सिर्फ क्षमता रखते हैं, बस किसी को बनाने की क्षमता नहीं है इनके पास। क्या नाम है आपका? बीरेन कुमार पांडे। कहाँ से? ग्राम सभा जोहन से। अच्छा, ये बताइए, क्या लग रहा है देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? मोदी सरकार। तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार ऊपर वाले जाने, लेकिन अब की बार मोदी सरकार। राहुल गांधी राहुल गांधी का
वो कहा जाने खेते के मेले के कबो गांज बड़मनाई के दहरा है दे विदेश में पढ़ी लेकिन काव की ही न हो रही है। लेकिन विपक्ष तो कहता है मोदी जी आए तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे महंगाई हो सुधारो तो होए, महंगाई हो सुधारो होए, काम कब को होए, बढ़ी बा तनखैया तो बढ़ी बा ई बात थोड़ो है चार दस रुपया मजूरी रहे तो बढ़े तो ये लुटोरी जो डकैती करता है इन लोगे तो हटे। भ्रष्टाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार कहाँ बंद है, भ्रष्टाचार सब खत्म है, बहन बेटी सब सुरक्षित हैं, अब कोई कोई किसी को डर नहीं है कहीं, कोई डर किसी को नहीं, बहन बेटियां अब हर इंसान सुरक्षित है, मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। उनके क्या नाम है आपका? काशीनाथ यादव। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है अयोध्या का विकास? नहीं अच्छा ही लग रहा है, बढ़िया। कहाँ से आए आप? देवरिया से। पहली बार? जी। तो भगवान राम का दर्शन किया? अभी जाएंगे, मोदी जी आ रहे हैं तो सब जाम है, रोड शो के बाद जाएंगे दर्शन कर, रोड शो देखने के लिए। जी जी जी। ये बताइए कैसा माहौल है देश का, किसकी सरकार बन रही है? बढ़िया है माहौल, बढ़िया है। सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो इनकी ही बनेगी, मोदी जी की ही बनेगी। राहुल गांधी विपक्ष? अभी उनका तो अभी जनता ही बताएगी, वो अभी तो उनका कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का ही सरकार है बनेगा। आपको नहीं लगता विपक्ष इतनी ज़्यादा संख्या में है तो कुछ चुनौती होगी? चुनौती तो ना रहे तो भी अच्छा नहीं है ना, बढ़िया ही है, चुनौती भी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी ठीक है। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार गिरधर। कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। पहली बार अयोध्या आए हैं? देखने के लिए स्पेशली। मोदी जी का रोड शो या राम मंदिर? राम मंदिर जी, और फिर आज पता लगा था कि मोदी जी का वो शो है स्पेशली फिर देखने के लिए। इनकी बड़ी तारीफ सुनते थे जी। बाकी ये है मोदी जी जो है इन्होंने अपने बल पे प्रभावित किया लोगों को, क्योंकि ये बात ऐसी करते हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब जैसे ये इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया श्रीनगर में 70 वो जो 370 धारा वो ख़त्म कर दी, जो कि पंडित नेहरू जी ने बीच में ही अटका दिया था, और अब वहाँ के लोग इतने खुश हैं, आगे डरते थे वहाँ तिरंगा वो जो क्या कहते हैं, हाँ जी, अब सारे आम होता है। और जो हमारे गवर्नर हैं कौन, मिश्रा जी जो कौन है IAS, हाँ जी, इतने बढ़िया है, उसने दिखा दिया कि अब ऐसा आगे से कभी नहीं होगा। चाइना जो आंखें दिखाता है, पाकिस्तान जो उनको रूबरू कभी कहता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उन्होंने क्या करना है, एक जो कौन सा पाकिस्तान है जी जिसमें हिंदुस्तान, वो चाहते हैं कि इंडिया आए। आपको याद होगा एक बारी वो कौन सी हुई थी, वो कौन से मूछ वाले जिन्होंने जाके वहाँ पर वो कर दिया था हमला, और ऐसे ले आए थे रातों रात। अब तो ये खाब हो गए, इंडिया पीछे नहीं, इतनी बड़ी ताकत है, और जैसे वो कहते 24 में ये तो आएगा ही आएगा। रही बात ये विपक्ष की बात, अगर विपक्ष ना हो तो डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो पूरा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, जो क्या नाम है उसका, राहुल गांधी ऑन द होल बड़ा अच्छा है, परंतु उसी बड़े वो ऐसा परिवारवाद, सोनिया गांधी ना, वो कौन सा इंदिरा गांधी, वो हमने देखा अपने ज़माने में, मैं वहाँ पर स्कूल में था, साइंस मास्टर, वो क्या कहते हैं क्या कर देते थे जी, सबको पकड़ कर, इतने आदेश थे, कहते कम करो संतान बंदी, नसबंदी कर देते थे, चप्पलें लेके दौड़ पड़ते थे, मैं भी उनमें से एक था, पर मैं रुक गया। मैं क्या, एक बात बताओ, ये कोई तरीका है? हम पढ़े लिखे हैं और आप ऐसा करते हो, जिनकी नसबंदी करनी चाहिए उनकी आप करते नहीं हो, जिनकी नहीं करनी चाहिए उनको करते हो। तो उसके बाद वो समझ गई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके बाद ऐसा जीती, कांग्रेस आ गई। फिर उसके बेटे कौन से हैं जी, हाँ, कंप्यूटर जो आजकल सब जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड, कंप्यूटर की कितनी महिमा, आप यहाँ हो कंप्यूटर की बदौलत ये सारा कुछ हमारे तक पहुँचाते हो, ये किसकी देन है। उसको भी मार दिया गोली से तेलंगाना में, परंतु कोई बात नहीं, वो नाम कर गया,
अब जो है कहते हाँ उनकी बेटी प्रिया, क्या नाम है, हाँ प्रियंका, वो जीतेगी रायबरेली से। परंतु वो भी सोचते रहे लड़ना चाहिए था वहाँ, ये कौन सी जगह भी, ये सुल्तान जहाँ पर अमेठी, अब बताओ उसका क्या रोल है, कौन भला। हाँ जी, हाँ जी, ऑन द होल वो तो जो पीछे जैसे मेरा नाम हो जाए, मोदी उसके पास नम्ररत्न है एक से एक बढ़ के, जो उसके पीछे जैसे ये आपके कौन से हैं जी, ये यहाँ के लखनऊ के जो, हाँ राजनाथ सिंह योगी राज है, और इसके बाद वो एक से मैं नाम मुझे अब याद नहीं आते, हाँ एक और कहूँगा, शिव सीता सीता जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उसने ऐसा उसने जीएसटी का ऐसा वो चलाया जिससे गरीबी, जो हमारा देश कहते हैं ये गरीब है अमीरी में ला दिया, और वो भी मोदी उसको हटने नहीं देगा, राज्यसभा की मेंबर है, एक और ही जो हमारे विदेश मंत्री है, हाँ इतने बढ़िया है, उसकी बदौलत भी इंडिया चार मतलब इतनी तरक्की कर रहा है। उसने उसको दे दिया चैलेंज चाइना को, खबरदार हो जा अरुणाचल में, वो कहता ये मेरा हिस्सा है, पहुंच गया कहता बता कैसा हिस्सा है, तू कहता कुछ है करता कुछ है, अब नहीं चलने देंगे, तू सड़कें बना रहा है, वो जो कौन है हमारा नेपाल, वो कहता अब नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये है इंडिया मोदी के राज में तरक्की कर रहा है, अगर राहुल गांधी किसी और का मौका दे, जैसे आनंद शर्मा है, वो और कौन से हैं जी, ये उसका लड़का हुड्डा का लवली है, उसको हटा दिया, और शीला दीक्षित का जो बेटा है, हाँ कहने का मतलब ये मैडम एक से एक बढ़ के है, मतलब कांग्रेस को किसी और को मौका देना चाहिए, राहुल गांधी को। हाँ। राहुल